नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इसे कहते हैं खीर बनी नहीं मंगते पहले आ गए। शनिवार को पतंजलि ब्रांड ने कोरोना की दवा ढूंढने का दावा किया तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इस दावे की गूंज दक्षिण एशिया से होती हुई सात समुन्द्र पार तक जा पहुंची। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि गिलोय अश्वगंधा अणुतेल तुलसी आदि के मिश्रण से तैयार इस दवा का परिणाम 100% रहा है। इस दवा को अगले हफ्ते तक बाजार में उतार दिया जाएगा। मीडिया में आई खबरों के अनुसार दुनिया के कई देशों ने भारत से दवा हासिल करने हेतु संपर्क करना शुरू कर दिया है। जिन देशों ने अभी तक संपर्क साधा है उनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान का नाम शामिल है। पाकिस्तान के दवाई व्यापारियों ने सीधे पतंजलि से कॉन्टैक्ट किया है और पतंजलि से कोरोना औषधि के सैंपलिंग की रिक्वेस्ट की है। यानी पाकिस्तान में कम्युनिटी स्प्रिट में तब्दील हो चुके कोरोना वायरस से बचाने हेतु भारत से उम्मीदें बढ़ गई है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत उसे इस मुसीबत से अवश्य निकाल लेगा। इस वक्त उसके हालात दक्षिण एशिया में सबसे अधिक नाजुक है। संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख पहुंचने वाली है जबकि 3,000 के करीब हुरों की खोज में प्रस्थान कर चुके हैं। शुरुआत में उसे लग रहा था कि चीन कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर लेगा जिसका लाभ वह सबसे पहले प्राप्त कर सकेगा, मगर दुनिया में कोई भी देश कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू भी नहीं कर पाए हैं। खुद भारत में भी कोरोना वायरस वैक्सीन द्वितीय चरण में चल रही है। ऐसे में पतंजलि के दावे ने पूरी दुनिया में उम्मीद की किरण जगा दी है। पतंजलि दुनिया की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी है। बहुत कम वक्त में पतंजलि ने दुनिया में अपनी पहचान स्थापित की है। चौंकाने वाली बात यह है कि पतंजलि से सीधे संपर्क करने वालों में पाकिस्तान पहला मुल्क है। उसने कहा है कि कोरोना वायरस की दवा लॉन्च करने से पहले उन्हें भी कुछ सैंपलिंग दी जाए जिससे वह दवा की परख कर सके। हालांकि पतंजलि ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि कोरोना वायरस की दवा किन किन देशों को निर्यात की जाएगी। उसने निर्णय सरकार पर छोड़ दिया है। पतंजलि का कहना है कि उसके लिए अपने देशवासियों को इस दवाई को पहले उपलब्ध कराना है। देश की जरूरतें पूरी होने के बाद ही दवा को बाहर निर्यात किया जाएगा। पतंजलि ने अगले हफ्ते के अंत तक कोरोना वायरस की दवा बाजार में उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस वक्त दुनिया के सभी देशों को कोरोना वायरस की दवा की सर्वाधिक आवश्यकता है। कोरोना वायरस की दवा की खोज एक प्रकार से युद्ध जीतने जैसी बन चुकी है। हर देश इसकी खोज करके न केवल दुनिया में अपना रुतबा बढ़ाने की फिराक में है बल्कि इस दवा को बेचकर अपना खजाना भी भर लेना चाहता है। अगर पतंजलि की कोरोना वायरस दवा रामबाण साबित होती है तो यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी जो भारत को दुनिया का सिरमौर बना सकती है। पाकिस्तान की कंगाली में कोरोना महामारी ने बड़ी भूमिका निभाई है। यह आतंकी मुल्क आर्थिक और सामाजिक रूप से खत्म होने के कगार पर है। इस देश के 1/3 सांसद तक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं जबकि बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन हो रही 24,000 टेस्टिंग में रोजाना 7,000 से ज्यादा संक्रमण के मरीज सामने आ रहे हैं। यानी इमरान सरकार ने शुरुआत में कम टेस्टिंग करके जो फूस का घोड़ा खड़ा किया था उसका भांडा फूट चुका है। 5 महीने तक पेट पीटने और चीन से बेइज्जती कराने के बाद उसने अब ऐलान किया है कि मुल्लाओं ने टेस्टिंग किट तैयार कर ली है, मगर कहने वाले यह भी कहते हैं कि इसमें भी चीन का बड़ा हाथ है। बड़ी बात यह है कि कोरोना टेस्टिंग किट की घोषणा के 1 महीने बाद भी यह अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। यानी तैमंदबाजों को जो गधैया नर तक कराएगा अब वह भी संदेह के घेरे में आ गया है। भारत में कोरोना वायरस के इलाज के मिलने के ऐलान ने पाकिस्तान में उम्मीद की किरण जगाई है। उसने उन अधिकारियों को सक्रिय कर दिया है जो बैकडोर डिप्लोमेसी के अंतर्गत भारत से नियमित संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा नुबायर को भी पतंजलि से संपर्क करने के लिए कहा है जिनके भारत के दवा निर्यातकों से बेहतर तालमेल रहे हैं। पाकिस्तान की योजना इन लोगों के माध्यम से कोरोना की दवा हासिल करने की है, परंतु पतंजलि ने स्पष्ट कहा है कि पहले यह दवाई भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएगी, उसके बाद ही इसके निर्यात पर विचार किया जाएगा। ऐसे में लगता नहीं है कि पाकिस्तान को यह दवाई जल्दी मिल पाएगी। उससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, फ्रांस और सार्क के अन्य देशों को भारत इसे उपलब्ध कराएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।